पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज शेल में, शेल का मतलब एक ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज इस पे क्यू है, तो इस पे अगर इस शेल के आर डिस्टेंस दूर हम ई निकाल लें तो ई का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ई आ गया। अब इसी पॉइंट पर आपको वी निकालना है, तो रूल क्या है, अगर आपको E पता है और V निकालना है तो फॉर्मूला लिखें E is minus dG by dr, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, E की वैल्यू को यहां पुट करें 1/4πε0 Q/r² और इंटीग्रेट करें इंफिनिटी से R। वो क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि चार्ज को कहां से लाया जा रहा है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R, चार्ज को इंफिनिटी से R लेके आते हैं, यही डेफिनेशन है, तो इंफिनिटी से स्मॉल R जहां पर आपको V निकालना है, तो इसकी इंटीग्रेशन r की पावर -2, r की पावर -1/-1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, r की पावर -1/r, एक बार r, एक बार इन्फिनिटी, 1/∞ जीरो, तो ये आंसर आ गया। तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में अभी नोट करवाऊंगा, मत लिखना, v का फॉर्मूला स्मॉल r दूरी पे 1/4πε0 Q/r, और अगर सरफेस पे निकालना है, शेल के सरफेस पे, तो स्मॉल r को क्या पुट करना है, कैपिटल आर, तो वी का फॉर्मूला शेल की सरफेस के ऊपर ये रहेगा। और लास्ट है, क्योंकि कंडक्टिंग शेल है, आज हमने डिस्कस किया किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो, ई क्या होता है, माइनस डीवी बाय डीआर, अगर ई जीरो है तो वी ऑब्वियसली क्या होगा, कांस्टेंट, तो शेल के अंदर कोई मर्जी पॉइंट ले लेना, वी हमेशा सेम रहेगा, कितना सेम रहेगा, जितना उसकी सरफेस पे है, सरफेस पे क्या था, 1/4πε0 Q/R, तो अंदर भी क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, क्या ये रूल याद रहेगा। तो अब ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करेंगे, देख लें एक बार फिर से, ये एक शेल, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी का फॉर्मूला, शेल की सरफेस के ऊपर कैपिटल आर, ये फॉर्मूला, शेल के अंदर यही फॉर्मूला, क्योंकि शेल की सरफेस के ऊपर और अंदर वी क्या रहेगा, सेम। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, जो अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल क्यू की फॉर्म में गिवन है, फिर तो ये फॉर्मूला वैलिड है, पर अगर आपको सिग्मा दे दिया तो उस केस में चार्ज क्या होगा, सिग्मा इनटू इसका एरिया 4πR², तो आप चार्ज की जगह सिग्मा इनटू 4πR², ये फॉर्मूला काम आएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, अगर सिग्मा गिवन होगा कोई बात नहीं, हम क्यू को पुट कर लेंगे सिग्मा इनटू 4πR², ऐसे इसमें पुट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला, ये और ये तो सेम ही है, तो आप प्लीज इसे फॉर्मूला बुक इसके अंदर लिखें, फॉर्मूला रजिस्टर में लिखें, और साथ में ये भी लिखें कि अगर V और R का ग्राफ, ये NCERT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, NCERT कंपटीशन दोनों के लिए, V और R का ग्राफ शेल के लिए बनाना हो, शेल के अंदर V क्या रहता है, कांस्टेंट, कितना, 1/4πε0 Q/R, और बाहर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ये ग्राफ भी मार्क करने को आ सकता है, तो ये सारा कुछ आपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करना है।